वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को और डिस्कस करेंगे सम स्पेशल रिएक्शंस टाइप सी. वी आर लेफ्ट विद दैट. तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है स्पेशल रिएक्शंस की. यू कैन सी दैट. बात करेंगे कोलबेज रिएक्शन, रिमर-टिमन्स रिएक्शन, कपलिंग, देन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन, लिबरमैन रिएक्शन, एंड इन द लास्ट differences between alcohols and phenols. Okay, so let's start with the first chemical reaction, that is Kolbe-Schmidt reaction. Akela Kolbe's bhi aa jata hai ya fir Kolbe-Schmidt reaction. Is reaction mein hai kya? Hum sodium phenate ke andar pass karte hain carbon dioxide at 400 Kelvin and 4 to 7 atmospheric pressure. और क्या बन जाता है देखिए, ओ सी ओ ओ एन ए. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड. नाउ ये कंपाउंड है क्या? देखो ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ लगा है एन ए, और इसके साथ क्या लगा है? फिनाइल. देखो यही है O C O O N A. ऐसे देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि किसी एसिडिक ग्रुप का सोडियम सॉल्ट. ओके, अब एक और चीज देखिए, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये कौन सा कंपाउंड है? CO3, नेट चार्ज 2 नेगेटिव. यस, दिस इज कार्बोनेट. तो अब आप ध्यान से देखिए, इस कार्बोनेट के साथ अगर दोनों तरफ H लग जाता तो ये बन जाता कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड में से H हटा दीजिए तो कार्बोनेट बन जाता है. ओके, अब H नहीं लगाया हमने, H नहीं लगाया, एक तरफ लगा दिया सोडियम चार्ज बैलेंस, और इस तरफ लगा दिया हमने C6H5. ठीक है, बीच में क्या है? कार्बोनेट. तो इसको आप क्या लिखेंगे? दिस इज फिनाइल, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट. क्योंकि केटाइनिक पार्ट हम पहले प्रोनाउंस करेंगे और एनाइनिक पार्ट बाद में. समझ आ गया सबको? तो दिस इज फिनाइल सोडियम कार्बोनेट. ओके, ये कंपाउंड. तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख सकते हैं दैट इट इज, आप इसको ओपन में इस तरीके से लिखिए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एन ए. राइट, तो दिस इज फिनाइल सोडियम कार्बोनेट. डन. ओके, ये ऐसे नोट कर लेना सभी. अब मैं इसको हटा देती हूं यहां से. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज रीअरेंजमेंट. जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट हुई थी ना, देयर इज रीअरेंजमेंट. यहां से एच ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्रुप इधर, तो ये बन गया ओ एच और ये आ गया ऑर्थो पोजिशन के ऊपर. उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl. ओके, एड डल्यूट HCl माइनस NaCl एंड वॉट विल बी द प्रोडक्ट? OHCOOH एंड दिस इज सैलिसिलिक एसिड और इट इज टू, वन पोजिशन टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. अब देखो ये है कॉमन नेम एंड दिस इज IUPAC नेम. तो पेपर के अंदर मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज अ सेपरेट थिंग. एक्चुअली दिस इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. गिव वन मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, यू कैन क्योट Kolbe-Schmidt रिएक्शन. ओके, तो अब ये सैलिसिलिक एसिड बन गया और इसका IUPAC नेम, क्वेश्चन आएगा वट इज IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड. तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. It was all about Kolbe-Schmidt's reaction. अब this reaction is of prime importance.
क्योंकि ये जो कंपाउंड आपने बनाया है ना सैलिसिलिक एसिड, इसको यूज करके कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं. लेट्स सी दैट. अब जरा इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन देखिए. सबसे पहले एस्पिरिन, आपको पता है एस्पिरिन इट इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. तो ये कैसे बनती है? सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, क्योंकि यहां पे एसिटाइलेशन हो रही है. ओके, तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड. और होगा क्या, यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा ये वाला ग्रुप. ठीक है, तो ये CH3COOH बाहर. ओके, अब आप चाहें तो ये वाला ग्रुप ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं, ये लीजिए CH3COOH. तो ये बन गया CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड. अब यहां पे क्या बना, देखें COOH और इधर बन गया O, C डबल बॉन्ड O, CH3. देखो यही बना OCOCH3. अब नंबर वन, नंबर टू, दिस ग्रुप इज एसिटो, एसिटो प्लस ऑक्सी, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. दिस इज टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड कॉमनली इट इज नोन एज एस्पिरिन. राइट, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. एच हटा और उसकी जगह पे एसाइल ग्रुप लग गया, रादर एसिटाइल ग्रुप लग गया, क्योंकि एसिटाइलेशन हुई है. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज सेलोल. कैसे बनता है सैलिसिलिक एसिड? इट विल रिएक्ट विद फिनोल. ओके, वो क्या बनेगा, OH रिएक्ट नहीं करेगा, इट विल फॉर्म COOC6H5. नाउ दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट. एस्टर बन गया ना, फिनाइल सैलिसिलेट, और कॉमनली इट इज नोन एज सेलोल. इट इज नोन एज सेलोल. और साथ में क्या लिबरेट हुआ, पेपर में आता है एस्पिरिन का IUPAC नेम बताइए, दैट इज 2-acetoxybenzoic एसिड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब जरा ये देखना कि हमने क्या लिखा था, इट वॉज सैलिसिलिक एसिड, इट रिएक्ट्स विद फिनोल. ओके, इट रिएक्ट्स विद फिनोल टू गिव. नाउ यहां से एसिड का गया OH और फिनोल का H. What we will get? OH COO C6H5. ठीक है, ये बन गया हमारे पास फिनाइल सैलिसिलेट. इसको मैं थोड़ा ओपन करके दिखाती हूं. OH C डबल बॉन्ड O O C6H5. जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है दैट विल बिकम प्रीफिक्स, और ये रहा हमारा मेन एसिड R C डबल बॉन्ड O O R डैश. तो ये बनेगा हमारे पास प्रीफिक्स. तो दिस इज फिनाइल और सैलिसिलेट. ओके, दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट. एस्टेरिफिकेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता है OH और एल्कोहल से जाता है H. मैंने पहले भी आपको बताया था. ओके, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट. अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. ये रहा सैलिसिलिक एसिड, इट रिएक्ट्स विद मीथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड यू हैव टू रिफ्लक्स इट. रिफ्लक्स का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं. दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन,
एस्टर बन रहा है ना, तो एल्कोहल का जाएगा एच और इसका जाएगा ओ एच, तो ये बन गया सी ओ ओ सी एच थ्री. दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. डन. तो ये था मिथाइल सैलिसिलेट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीबर्ट-ईमन्स रिएक्शन. दिस इज 100% श्योर केमिकल रिएक्शन टू बी आस्क्ड इन योर एनुअल एग्जाम. आती ही आती है. ठीक है, अब देखो, ये रहा हमारे पास फिनोल. ओके, फिनोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म. फिनोल को हम हीट करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अबाउट 340 केल्विन टेम्परेचर. ओके, अब ध्यान से देखना, यहां से एक एच निकला और एक सीएल, एक एच और एक सी एल. ओके, एक एच एक सी एल, तो इस जगह पे लग गया सी एच सी एल टू. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखो, यहां से ये हमारे पास है फिनोल, यहां से एच और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ओ एच. Water remove and we will get O N A. अब एक सोडियम, ठीक है, यहां हम यूज करने वाले हैं दो सोडियम के मॉलिक्यूल. एक सोडियम ऑक्साइड तो इधर लग गया और दूसरा सोडियम कंबाइन करेगा इसके साथ और इसके साथ दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ओ एच. ठीक है, यहां से एक एच निकला, ये रहा, इधर से एक सी एल, ये रहा. ओके, इसका काम खत्म. अब देखो, मेरे पास है दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर से एच और इधर से ओ एच, खत्म. ओके, ये वाला एच भी खत्म और ये लग गया एन ए इधर, इनका काम खत्म. अब मेरे पास बचा सोडियम और ओ एच, और साथ में कौन है, ये दोनों, तो एच लग जाता है इसके साथ, सी एल इसके साथ, राइट. तो माइनस हो गया NaCl, माइनस हो गया H2O. बाकी आप चेक कर लीजिए, ऑल बैलेंस्ड. ठीक है, अब देखो, यहां दो Cl लगे हैं, अब हम दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यूज करेंगे एक्वस, तो यहां लगे, इधर लग गए दो OH और इधर लग गए दो H और इधर लग गए दो सोडियम, तो माइनस हो गया 2NaCl और इधर क्या बना, ONa और CH के साथ लग गए दो OH. दो Cl थे ना, दोनों Cl हट गए, उसकी जगह पे क्या लग गए, दो OH. लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इट इज अनस्टेबल क्योंकि दो OH लगे हैं. अब HOH माइनस वाटर क्या बना, ओ एन ए और यहां क्या बन गया, सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, देख लीजिए यही बना, एच चला गया ओ एच के साथ. आपके पास ये चीज थी, ये मैं पहले बता चुकी हूं आप लोगों को, इधर से निकला एच पॉजिटिव और इधर से निकला ओ एच नेगेटिव, ये बॉन्ड लेकर गया, ये छोड़कर गया और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अंदर. मैं इसको और क्लियरली बनाती हूं, सी एच ओ एच ओ एच, ये गया बॉन्ड के साथ और ये गया बॉन्ड के बिना, ये वाला बॉन्ड अंदर क्या बना, सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ. ठीक है, दो ग्रुप लगे हो तो एल्डिहाइड बनते हैं. ओके, अब एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट एच सी एल CLH and we get, अब ये बन गया हमारे पास 1, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड.
or commonly it is known as salicylhyde. तो इस केमिकल रिएक्शन का मतलब कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिल्डिहाइड. ठीक है, कन्वर्शन जरूरी नहीं रिमेटिमन के नाम से आए, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. क्लियर. सेम रिएक्शन, अब ये हो गया सैलिसिल्डिहाइड. सेम रिएक्शन अगर आप CCl4 के साथ करते हो, देन यू विल गेट 2-hydroxybenzoic acid, मींस सैलिसिलिक एसिड. ओके, कैसे? लेट्स सी. अब हम यूज करने वाले हैं CCl4 प्लस 2NaOH एक्वस. ओके, अगेन यहां से निकला H, Cl साथ निकला और ये क्या बन गया इधर CCl3. ठीक है, इधर बन गया ONa, तो माइनस NaCl माइनस H2O एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले बताया. अब यहां तीन Cl हैं, वी विल मेक यूज ऑफ 3NaOH. आप लोग NaOH की जगह पे KOH भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन वी विल एड 3NaOH एक्वस. ओके, अब देखो तीन OH इधर लग गए और तीन सोडियम इधर लग गए, माइनस क्या हो गया 3NaCl, माइनस 3NaCl. अब देखो यहां कैसे लगेगा ये OH, C, C के साथ लग गए तीन OH, तीनों Cl हट गए और उसके साथ तीन OH लग गए. दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल. अब देखो कार्बन के साथ लगे हैं तीन OH ग्रुप, आपको याद है अगेन C डबल बॉन्ड O O H, यही बनेगा, तो ये बन जाएगा H O H माइनस वाटर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ओ एन ए सी ओ ओ एच. इट विल बी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एच सी एल, यू विल गेट ओ एच सी ओ ओ एच माइनस एन ए सी एल. क्या बना? 2-hydroxybenzoic acid और दिस इज सैलिसिलिक एसिड. कन्वर्जन नंबर टू, कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड. तो रिमेटिमन रिएक्शन से आप सैलिसिल्डिहाइड भी बनाते हो और सैलिसिलिक एसिड भी बनाते हो. तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कपलिंग, कपलिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कपल करना. तो एंड आइस कोल्ड कंडीशन ऑफ, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, इट कंबाइंस विद आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बहुत सिंपल रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसे नहीं, मैंने ऐसे लिटा दिया, फिनोल को भी मैंने ऐसे लिटा दिया. अब फिनोल की पैरा पोजीशन से H और इसका Cl माइनस HCl, बस इनको जोड़ के लिख दीजिए. ठीक है, मैं एरो इधर घुमा रही हूं तो आप लिखोगे कैसे? अब N2 है, N2 ऐसे लिखा जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ डाई एजो, एजो ग्रुप. ये आगे जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ एंड OH. अब देखो डाई एजो की पैरा पोजीशन के ऊपर है हाइड्रोक्सी, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन.
पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. एजो मतलब जब एन डबल बॉन्ड एन ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो इट इज कॉल्ड एजो डाई. इट्स अ कलर कंपाउंड दैट इज एजो डाई. और देखिए ये फिनोल्स की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, एल्कोहल्स ये रिएक्शन नहीं देते, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं. एल्कोहल्स डू नॉट फॉर्म डाइज विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स बट फिनोल्स डू. अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड. नेक्स्ट रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, इट इज ऑल्सो नोन एज थैलीन रिएक्शन. और इस रिएक्शन से बनती है फिनोल्फथलीन. यस, फिनोल्फथलीन जिसको आप वॉल्यूमेट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, है ना. बेस के अंदर दो ड्रॉप्स डालते ही पिंक कलर आ जाता है और एसिडिक मीडियम के अंदर इट इज कलरलेस. ओके, आपको याद है, आपने किया है प्रैक्टिकल. तो बहुत सिंपल, ये रहा फिनोल. फिनोल के हमने यूज किए दो मॉलिक्यूल एंड दिस इज पैथैलिक एनहाइड्राइड. कैसे बना देखिए, मेरे को सुनाई दे जाता है. वीडियो देखते देखते पूछते हैं आपकी ये कैसे बना. लेट मी टेल, जब दो पोजीशंस नियर बाय पोजीशंस के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे हों, COOH COOH, दिस इज पैथैलिक एसिड. अब इसी का एनहाइड्राइड, एक H और एक OH रिमूव्ड, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. देखो यही बना, ये ऑक्सीजन ब्रिजिंग पे आ गया और ये दोनों एस इट इज. नाउ दिस इज पैथैलिक एनहाइड्राइड, यही बनाया मैंने. तो इस तरीके से बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वॉटर. ओके, अब रिएक्शन जितनी बिखरी हुई दिखाई दे रही है बहुत सिंपल. इसकी पैरा पोजीशन पे एच या तो ऑर्थो से हटेगा या पैरा से हटेगा. तो अब देखो दोनों एच और पैथैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन, ठीक है, माइनस वॉटर. बस अब इनको जोड़ दीजिए जो जहां पे जुड़ता है. ये दोनों OH बिल्कुल सही सलामत और इधर ओके. अब देखो इस कार्बन की ऑक्सीजन उड़ गई और इसके दो बॉन्ड हैं, तो ये लीजिए इसका H और इसकी ऑक्सीजन, तो क्वाइट ऑब्वियस ये इसी के साथ कनेक्ट होंगे और ये बन गया फिनोल फथलीन इंडिकेटर. ओके, इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. बहुत सिंपल रिएक्शन है. अब नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड. कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि इससे बनता है बेकेलाइट. बेकेलाइट आप सबने देखा है, आपके घरों में स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है. बेकेलाइट दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्विचेस. ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं लेडरर मेनॉज रिएक्शन, बाय नेम भी आ सकती है. तो देखिए फिनोल एक रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन या फिर पैरा. देखो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर से निकली हाइड्रोजन यहां लग गई, ये बन गया सी एच टू ओ एच और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री. मतलब देयर विल बी सब्स्टिट्यूशन बाय सी एच टू ओ एच एट ऑर्थो एंड सी एच टू ओ एच एट पैरा. तो ये हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बन गए. एक को आप कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दिस इज नंबर टू, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी सी एच टू ओ एच. बेंजीन रिंग के साथ जब सी एच टू ग्रुप लगता है दिस इज बेंजाइल, ओ एच लग गया तो बेंजाइल एल्कोहल, टू हाइड्रोक्सी
benzyl alcohol. And this is para hydroxy benzyl alcohol. Done. अब दोनों में से अगर ये आइसोमर सेम आइसोमर से कंबाइन करेगा तो लीनियर पॉलीमर बनेगा, और अगर मिक्स होगा तो क्रॉस लिंक. इसको याद रखना, सेम आइसोमर्स तो बनेगा लीनियर पॉलीमर, और अगर मिक्स्ड लेते हो आप मिक्स्ड आइसोमर्स तो ये बनेगा क्रॉस लिंक्ड. ओके, अच्छा अब पहले हम सेम का बना लेते हैं. तो ये था मेरे पास ऑर्थो आइसोमर, लेने लगी मैं प्लस एक और आइसोमर, दोनों सेम. ओके, अब यहां पे होगी इसकी पॉलीमराइजेशन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड. तो देखो बच्चे, ऑर्थो पोजीशन से H और यहां से हटा OH, राइट, माइनस वाटर. तो ध्यान से देखना, OH और ये दोनों जुड़ गए CH2 के साथ OH, और देखो इसका CH2 आगे जुड़ जाएगा और इसका H इस साइड जुड़ जाएगा, और ये बन गया लीनियर पॉलीमर. क्लियर, ये दोनों ग्रुप आपस में CH2 से जुड़ गए. पॉलीमराइजेशन में ऐसे ही होता है, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मॉलिक्यूल कंडेंस हुआ है. ओके, तो ये फर्स्ट टाइप था व्हेन सेम आइसोमर्स कंडेंस, जब सेम आइसोमर कंडेंस होते हैं तो लीनियर. डन. अब मैं एग्जांपल लूंगी जिसमें मिक्स्ड हम यूज करने वाले हैं. अब ये मुझे हटाना पड़ेगा, अब मेरे पास दोनों तरह के आइसोमर्स हैं, ऑर्थो भी, पूरा नाम नहीं लिख रही हूं मैं, ऑर्थो आइसोमर भी है और पैरा आइसोमर भी है. पैरा आइसोमर अगेन इट विल गेट पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ OH और H पॉजिटिव. ठीक, अब देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका, आप मिनिमम 3 मॉलिक्यूल लीजिए, 2 लाइंस लगा दीजिए. कई बार बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देख के बच्चे हो जाते हैं पता नहीं क्या है. तो ये OH, ये तो किसी के साथ भी कंडेंस नहीं होता. ऐसा रखें जैसे ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है. यहां तक हो गया. अब देखो पैरा से ये वाला और इसका H ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे ही इसका CH2 इसके साथ जुड़ेगा. ओके, अब ये मॉलिक्यूल जो है इट इज हैविंग CH2 एट ऑर्थो पोजीशन, तो ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ेंगे. ठीक, ये इधर को, ये इधर को, इधर को, इधर को, और ये बन गया N मॉलिक्यूल्स. ठीक, नाउ दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और इसका नाम है बेकेलाइट. है ना सिंपल, दिस इज बेकेलाइट इस तरीके से. नाउ दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. समझ आ गई सबको? अब ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो पे भी बॉन्डिंग हो रही है पैरा पे भी? क्योंकि ये दोनों मिक्स हैं, ये इधर को कनेक्ट करेगा और ये नीचे को कनेक्ट करेगा. ठीक है, तो इट वॉज फिफ्थ रिएक्शन कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड. टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स, देखिए जब फिनोल फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है, ये प्योर फिनोल, इसका कोई कलर नहीं होता है, इट इज कलरलेस. लेकिन अगर इसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाती है,
इट इज एक्सपोज्ड टू एयर और ऑक्सीजन तो एक पिंक कलर डिवेलप कर जाता है, अ पिंक कलर अपीयर्स, और वो पिंक कलर इस कंपाउंड की वजह से होता है ड्यू टू पैरा बेंजोक्विनोन। डन। तो क्वेश्चन एक नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक कलर ऑफ फिनोल्स इज ड्यू टू विच कंपाउंड? दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल टू पैरा बेंजोक्विनोन। अब सेम रिएक्शन, आपने ऑक्सीजन यूज नहीं की बट यू मेड यूज ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट विल बी गिवन। तो दो तरह से ऑक्सीडेशन हो गई। फिर एक और स्पेशल केस, अगर हम फिनोल में ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं पोटेशियम पर सल्फेट K2S2O8, तो मिक्सचर बनता है डाइहाइड्रोक्सी फिनोल्स का 1,2-diol and 1,4-diol, बेंजीन 1,2-diol, बेंजीन 1,4-diol, और आपको पता है 1,2-diol को कॉमनली बोलते हैं कैटेकोल एंड दिस इज क्यूनोल, राइट? एंड दिस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एल्ब्स रिएक्शन। दिस इज एल्ब्स रिएक्शन जिसमें हम पोटेशियम पर सल्फेट को यूज कर रहे हैं। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये दो तरह से हमने की। चाहे तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर दीजिए तब भी सेम प्रोडक्ट, और अगर आप इसकी प्रेजेंस में करते हैं तब भी सेम प्रोडक्ट। ओके, लिपरमैन्स रिएक्शन, दिस इज कलर्ड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होगा क्या, फिनोल को हम ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट डिसॉल्वड इन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक रेड कलर का कंपाउंड बनेगा, और वो रेड कलर का कंपाउंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर एल्कली मीडियम के अंदर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर विल चेंज टू ब्लू बाय द एडिशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर दिस इज सोडियम नाइट्राइट कंबाइनिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको पता है यहां से H और यहां से NO2 क्या बन गया, नाइट्रस एसिड और साथ में सोडियम सल्फेट। तो ये रहा नाइट्रस एसिड। ओके, पैरा पोजीशन से H और नाइट्रस एसिड का OH माइनस वाटर, तो देखो यहां क्या लगा है OH और इधर क्या लग गया NO, तो दिस इज पैरा नाइट्रोसो फिनोल। हियर रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, ये H यहां से हटा तो अकेली ऑक्सीजन रह गई, और ये H किसके पास पहुंचेगा, इसके पास, तो इट विल फॉर्म NOH। सारे के सारे जो बॉन्ड्स है दे विल कम इन अ कॉन्जुगेशन, और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, इट इज क्यूनोन। ओके, अब ये कंपाउंड कंबाइन करेगा फिर से एक फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ, ये रहा क्यूनोन, और अगेन इट विल रिएक्ट विथ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, ये रहा फिनोल, पैरा पोजीशन से H हटा, नाउ देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, बस इनको साथ जोड़ दीजिए। ठीक, व्हाट वी विल गेट, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, N के आगे सिंगल बॉन्ड जुड़ गया इसके साथ, क्लियर? अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है इंडोफिनोल, दिस इज इंडोफिनोल एंड दिस इज ऑफ रेड कलर। देखने में लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बट इट इज वेरी सिंपल। यहां से H हटा, NO ग्रुप लगा, रीअरेंजमेंट हुआ, ये H चला गया NO के पास, NOH बन गया। सारे के सारे बॉन्ड इस तरीके से एडजस्ट करने हैं
कि एक तो ऑल्टरनेशन रहे, कंजुगेशन बनी रहे और किसी की भी वैलेंसी जो है वो इंबैलेंस ना हो. तो दिस इज क्यूनोन. इट इज अगेन कंबाइनिंग विद फिनोल और ये आ गया रेड कलर. हो गया फर्स्ट स्टेप, अ रेड कलर अपीयर्स. अब रेड कलर चेंजेस टू ब्लू बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नाउ दिस इज स्टेप नंबर टू. हम इसमें डाल रहे हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो और कोई जगह नहीं है, यहां से हटेगा H, यहां से हटेगा OH, माइनस हो जाएगा वाटर. तो देखो सेम कंपाउंड फिर मैं ऐसे लिखूंगी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, यहां फिनोल था अब बन गया ओ एन ए. सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल एंड दिस इज ऑफ ब्लू कलर. अब इसमें से बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन लिबरमैन्स रिएक्शन विच कंपाउंड इज रेड इन कलर, विच कंपाउंड इज ब्लू इन कलर. बच्चे एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं. तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीका है, ये दोनों आपस में जोड़े, वाटर निकाला, बस क्लोज करके लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सिर्फ एक ही एच अवेलेबल है जिसको आप हटा सकते हैं. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद डिफरेंसेस बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनोल्स. एल्कोहल फिनोल एंड यू हैव टू लिस्ट सम टेस्ट जिससे आप दोनों को अलग कर पाओ. सबसे पहले लिटमस टेस्ट, एल्कोहल्स कोई रिएक्शन नहीं करते ना रेड के साथ ना ब्लू के साथ क्योंकि बहुत ही वीक एसिड होते हैं, बट फिनोल्स दे आर एसिडिक नेचर एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. फेरिक्लोराइड टेस्ट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर दैट फिनोल्स रिएक्ट विद फेरिक्लोराइड टू गिव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट. एल्कोहल्स कोई रिएक्शन नहीं देते, वहां मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिख के भी बताई थी आपको. दिस इज वॉयलेट कलर और कंपाउंड बनता है फेरिक फिनेट, ओके, या फेरिक फिनोक्साइड. देन ब्रोमीन वाटर टेस्ट, आपने ये केमिकल रिएक्शन की है ना बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन के अंदर, जब आप एक्वस ब्रोमीन लेते हो तो तीनों पोजिशन के ऊपर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इट फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल. दिस कंपाउंड इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, तीनों पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन एंड इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स. पता चल जाता है कि ये कंपाउंड बना है, लेकिन ऐसी कोई भी रिएक्शन आपने एल्कोहल के अंदर स्टडी नहीं की, यहां रिएक्शन नहीं होती. ओके, कपलिंग रिएक्शन, एल्कोहल्स नहीं देते हैं फिनोल्स देते हैं, ठीक है. रिसेंटली हमने इसी वीडियो के अंदर की, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज फिनोल और फिनोल के पैरापोजिशन से हाइड्रोजन इसके क्लोराइड के साथ निकल जाती है और नाइट्रोजन इट कम्स एज अ एजो फंक्शनल ग्रुप. तो दिस इज एजो डाई विच इज ऑरेंज इन कलर, तो इट इज कपलिंग रिएक्शन विच इज गिवन बाय फिनोल्स, राइट. नेक्स्ट इज लिबरमैन्स टेस्ट, अभी अभी आपने किया. फिनोल्स को जब हम सोडियम नाइट्राइड और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, रेड कलर का सोल्यूशन देता है, ओके. और जब हम उसमें बेस डालते हैं, अल्कली डालते हैं, रेड कलर चेंजेस टू ब्लू. इंडोफिनोल जब वो रेड कलर और सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल व्हेन इट टर्न्स ब्लू. तो इन टेस्ट को बता के आप एल्कोहल्स और फिनोल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Now this is your home assignment. बहुत टाइम से मैंने होम असाइनमेंट दी नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे इन चीजों को कर लेंगे, एक जगह पे लिख लेंगे, आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन आना है ये उसका 30% है लिटरली. तो देखो आपको कन्वर्ट करना है फिनोल को, यू विल स्टार्ट विद फिनोल और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, बेंजीन बनानी है, फिनोलफथलीन बनानी है, एस्पिरिन बनानी है, फिर आपको फिनोल को कन्वर्ट करना है सैलिसिलिक एसिड में, फिनोल को कन्वर्ट कीजिए एनिलीन में, फिनाइल एसीटेट में, सेलोल में और फिनोल से बनाइए मीथेन, ओके.
अब मैं देखती हूं आपने पूरे वीडियो के अंदर फिनोल की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या देखा। मुझे सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, दिस इज फिनाइल एसीटेट, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। आप इसको बोलेंगे फिनाइल इथेनोएट, है ना, दो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ लगा है फिनाइल ग्रुप। मींस इट इज लाइक दिस, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सिक्स एच फाइव, राइट। सी एच थ्री सी ओ ओ एच, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड ऑल्सो इट इज नोन एज इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो चाहे आप इसको बोले फिनाइल इथेनोएट और फिनाइल एसीटेट, तो वन एंड द सेम थिंग। समझ आ गई बात, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दोनों सेम होते हैं। तो आपको ये 10 कन्वर्शंस, ये आपके होम असाइनमेंट भी है और क्या आपने सीखा फिनोल्स के अंदर, ये उसका टेस्ट भी है। तो डू कंप्लीट योर होम असाइनमेंट एंड सेंड टू मी। और अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं इनको भी सॉल्व करके फिर से भेज दूंगी। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसमें बात करेंगे हम एल्कोहल फिनोल्स के लास्ट मेंबर, दैट इज ईथर्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर होम असाइनमेंट।